सीक्वेंस ये चल रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है माता जी सिमर अमर कैलेंडर इन लोगों के बीच में, और मैं और उमा भाभी ये जानने के पीछे लगे हुए कि आखिर क्या ऐसी बात है जो सब लोग परिवार वालों से छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हमें बता नहीं रहे कि क्या बात चल रही है, जबकि मैंने खुद रोली को देखा है। तो हम लोग एक्चुअली डिटेक्टिव बन गए और ये पता करने में लगे हुए कि रोली को इन लोगों ने छुपाया है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ छुपाया है और क्यों छुपाया है उसके पीछे जो रीज़न है वो पता करने में हम दोनों लगे हुए हैं, मैं और उमा भाभी। तो उसी की बस ये सब खिचड़ी पक रही है अभी फिलहाल शो में। अच्छा, आर्यन अपने को सिद्धांत नहीं मान रहा, तो क्या कब तक ऐसा कब तक चलता रहेगा, आर्यन कब तक सिद्धांत बना रहेगा? आर्यन एक्चुअली सिद्धांत इसलिए बना है क्योंकि जो हमारी सास है सुजाता जी, वो बीमार है और वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो इसीलिए एक सोशल सर्विस बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए, उसके लिए आर्यन को सिद्धांत बनना पड़ा, क्योंकि उसमें भी कुछ ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है और वो मतलब एक परिवार का ना होते हुए भी परिवार की मदद करने में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए वो सिद्धांत बना है ताकि सुजाता जी यानी हमारी सास की तबीयत ठीक हो जाए और उसके बाद में उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा, इस तरह से मतलब अभी तक है। जिस तरह से घर वाले पूरे बंगले में फंसे हुए थे, उसके बाद माया ने का घर वाले ने काफ़ी सपोर्ट करके बाहर निकले पैसे भी करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस किसी मुसीबत में फंसे जा रहे घर वाले? अभी एक्चुअली ऐसा कुछ मैं आपको पूरी पूरी डिटेल्स बता नहीं सकती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि माया जो है वो अभी पॉजिटिव हो गई है और वो हमारे परिवार की शुभचिंतक हो चुकी है, लेकिन मेरा जो पूरा शक है वो है सिमर रोली पे कि उन दोनों बहनों के बीच ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है। अब उमा भाभी के साथ मैंने डिस्कस किया इस बारे में और मुझे ये शक है कि ये सारा मामला प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि लोग क्या है कि सिमर रोली तो ठहरी छोटे गांव की है ना, पैसा तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, पहली बार भारद्वाज हाउस जैसा इतना बड़ा महल जैसा घर देखा है, उसके बाद में पैसा देखा है, तो हो सकता है किसी की भी नियत फिर सकती है क्यों। तो मुझे और उमा भाभी को शक है कि सिमर और रोली का हाथ है इसमें और ये मामला प्रॉपर्टी को लेकर। दर्शकों से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 4 साल कंप्लीट किए, और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, इसी तरह से हमें प्यार दिया कीजिए और हमारा सीरियल बस देखते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रामा है, इतना ड्रामा है ना कि आपकी ज़िंदगी में ड्रामा हो जाएगा देखते देखते, आपको आप बहुत एंटरटेन रहेंगे, हमारा सीरियल देखते रहिए बस ससुराल सिमर।